नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा स्टेट में। कैसे आप सभी? चलो भाई, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस बना रहे हैं। 7.5 के जो क्वेश्चन बचे हुए उसको सॉल्व करते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हुए। देखो तो आज 11 तो क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हो गए हैं, आज हम लोग 12वां क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। इट मीन्स की 7.5 एक्सरसाइज का आज क्वेश्चन नंबर 12 से चलेगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि x2 + x + 1 डिवाइडेड बाई x³ + x + 1 डिवाइडेड बाई x²-1। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो सारे जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, इस सारे के सारे आंशिक भिन्नों पर हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। तो आंशिक भिन्नों के क्वेश्चन हैं तो बड़े बड़े होंगे ही और समय तो लेगा ही, ठीक है। तो ऐसे ही टाइम लेने वाले, टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं, सबको सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्लियर। तो इससे बढ़िया है कि कुछ आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ हम भी सॉल्व करें तो ज़्यादा जल्दी खत्म होगा, ठीक है। तो आज देखो क्वेश्चन नंबर 12 इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इसे बता रहा है। क्या लिखा हुआ है ये देखो, ऊपर x³ + x + 1 / x²-1 है। तो इसमें ये ध्यान देना है कि ना तो ऊपर वाला कोई द्विघात समीकरण है, ना ही नीचे वाला कोई द्विघात समीकरण है। तो क्या इसे हम लोग एक द्विघात समीकरण बना सकते हैं? उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है, क्या करूं कि हर को अंश से भाग दे, सॉरी अंश को हर से भाग दे दो, प्लस एक्स प्लस वन को क्या कर दो, सीधे सीधे डिवाइड, है ना, ऐड नहीं दिख रहा। चलो तो ये डिवाइड होगा तो यहाँ से x² से x³ कटेगा x बार में, ठीक। और ये x बार में कटा तो ये हो गया x² - x, है ना, घटा लो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये x³ हो गया एक्स बार में, यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया, इधर कितना बचा है 2x + 1। देखो अब डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पावर x² है, यहाँ पावर 2x है। इट मीन सिंपल सी बात हो गई कि हमें क्या करना होगा भाई, देखो एक फॉर्मूला होता है कि ये जो अंश है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + 2x + 1 डिवाइडेड बाई x² - 1, है ना, ये डिवाइडेंट वाले रूल पे होता है, क्लियर, है ना। भागफल ये है, ये शेषफल है और ये भाजक है। तो सिंपल सिंपल कर सकते हैं, भागफल प्लस शेषफल बटा भाजक, है ना, ये फॉर्मूला एक होता है। इट मीन्स कि ये जो है टूटेगा तो ये कैसा बनाएगा, x + 2x + 1 डिवाइडेड बाई x² + 1, सॉरी -1, ठीक है। अब देखो ये वाला जो फॉर्म है, ये सिंपल सा एक द्विघात समीकरण वाला फॉर्म बना लिया, लेकिन अब चाहो तो क्या कर सकते बाबू, देखो दोनों को अलग अलग इससे भाग दे दो, ये हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 2x / x² - 1 और यहाँ हो जाएगा 1/x² - 1, ठीक है। चाहते तो वो px + q वाला फॉर्म भी लगा लेते, लेकिन यहाँ पे द्विघात समीकरण चाहिए था जो कि इधर नहीं मिला, क्लियर, है ना। नीचे डायरेक्टली एक फॉर्मूला दिख रहा है जो हम लोग पिछले के पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हुए, ठीक है। सिंपल सी बात है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमको, है ना, कर लो भाई इंटीग्रेशन करना है। तो दोनों पक्षों में ये जो है आई मान लो, इधर भी इंटीग्रेशन होगा तो इधर भी सबका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x / x² - 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - 1 dx, बात समझ में। अच्छा इसका इंटीग्रेशन करो x² / 2, ये यहाँ देखो इंटीग्रेशन करना है, x² को अगर t माना जाए तो 2x dx = dt हो जाता है, याद है कि नहीं। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं log ऑफ mod into x² - 1। देखो ये क्या क्या प्रोसेस हुआ है, ये ध्यान रखना, इसको खींच के इधर लाते हैं। प्रोसेस क्या हुआ है कि x² = t माने हैं तो 2x dx = dt, ठीक है। और यहाँ से देखो ऊपर वाला 2x dx dt हो गया, तो इंटीग्रेशन हमें बचा होगा करने का dt/t - 1, बात समझे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log t - 1 या फिर log t - 1 या t को तोड़ो तो ये हो जाएगा log x² -, बात समझ में। तो वही चीज यहाँ लिख दिए, क्लियर। अच्छा आगे बढ़ो तो यहाँ दिखेगा आपको, यहाँ ध्यान दो ये कौन सा फॉर्म है, 1/x² - a² का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a, है ना, a कितना है 1, इंटू log ऑफ mod ऑफ x - a / x + a,
बात समझ गई, ये फॉर्मूला बन गया है ना। फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का। होता क्या है, वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, यही होता है। इसी फॉर्मूले का यूज यहाँ पे किया, ठीक है। आगे बढ़े, देखो इससे एक बात समझ सकते हैं, यहाँ देखो लॉग एम अपॉन एन दिख रहा है, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी आप सभी को याद होगी, लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, है ना, लॉग एम माइनस लॉग एन। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर चलो यह बात कर ले तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस लॉग इंटू मॉड ऑफ, याद है एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, इट मीन्स कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये दो भागों में टूटता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसको ऐसे तोड़ लो, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वन और क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन, ये प्लस वन अपॉन टू, ये उस फॉर्म में टूट गया। तो यहाँ बन गया लॉग एक्स माइनस वन माइनस वन बाई टू लॉग एक्स प्लस वन, बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा ये देखो यहाँ पे log m into n, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, log m n होता है log m plus log n, क्लियर। तो यही फॉर्मूला इसमें यूज होगा, कहा भाई यहाँ पे देखो log m into n क्या हो जाएगा, log m plus log n। अगर इस फॉर्मूले का यूज कर लो, इधर वाला ऐसे ही रहने दो वन बाई टू, और ये हो गया log x माइनस वन प्लस log x प्लस वन प्लस वन बाई टू log x माइनस वन माइनस वन बाई टू log x प्लस वन, बात समझ में आई। अच्छा इससे देखो ये वाला फॉर्म, ये log x माइनस वन यहाँ पे दिख रहा है, log x माइनस वन इधर है वन बाई टू, इधर है वन, तो दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा थ्री बाई टू, बात समझ गई, नीचे नहीं दिखेगा, चलो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बाई टू प्लस इन दोनों को ऐड कर लो, यहाँ हो जाएगा थ्री बाई टू log x माइनस वन, ये कोई एक थ्री बाई टू हो जाएगा और कोई एक आधा। यहाँ पे ये दिख रहा है log x प्लस वन और यहाँ दिख रहा है माइनस log वन बाई टू log x प्लस वन, इससे इसको घटाओगे तो आधा बचेगा वन माइनस वन बाई टू, टू वन जै टू माइनस वन, है ना, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस वन बाई टू log ऑफ मॉड इंटू x प्लस वन प्लस सी, बात समझ गई, ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर। तो इसमें कहीं भी आंशिक भिन्नों में तोड़ने की जरूरत हमको नहीं पड़ी, चाहते तो ये वाला तोड़ सकते थे। यहाँ देखो आंशिक भिन्नों के रूप में तुरंत इसको पहले ही तोड़ लो और तोड़ने के बाद भी सॉल्व करो तो यही आएगा, लेकिन ए और बी निकालना पड़ेगा, बात समझ आई कि ये दो रूप में टूटेगा, है ना, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, चाहो तो उससे कर लो। तो अभी जो है अगर प्रयास करना चाहो तो कर सकते हो, कौन सा प्रयास भाई, ऐसा वाला प्रयास, देखो इस रूप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ये जो है एकदम पहला फॉर्मूला है, जब ऊपर पी एक्स प्लस क्यू हो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन दो चीजें ब्रैकेट में दी हुई है, तो इसको कैसे सॉल्व करते एकदम अच्छे से आप लोग को आता होगा। तो एक क्या करना है, इसे आपको सॉल्व करना है, इस रूप वाले को चेक करना है कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे भी कर लिए ये आएगा और वैसे भी करोगे यही आएगा, चेक करना, ठीक है। देखो यहाँ पे ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, वैसे भी करोगे तो यहाँ ए और बी दिखेगा, और ये एक्स स्क्वायर बाई टू तो फंक्शन ही ले, एकदम सिमिलर आंसर दिखेगा इसका और इसका, चाहे तो आंशिक भिन्नों से सॉल्व करो या फिर ऐसे डायरेक्टली सॉल्व कर लो, बात समझ गई, नोट करो बाबू फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करो।
चलो भाई हो गया, समझ में आया कि यार इससे भी आ रहा है, कितने हो जो इससे कर रहे हो क्वेश्चन, पी एक्स प्लस टू वाला आंशिक भिन्नो वाला है ना, इससे भी आएगा ठीक है, और इससे भी आ गया ठीक है। चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर, ये क्या दिया हुआ है, अब 2 अपॉन ऐसा है क्वेश्चन, ये है 2 अपॉन 1 माइनस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि आंशिक भिन्नों के जो 5 फॉर्मूले हम पढ़े हैं उसमें से ये कौन सा फॉर्मूला है और किस फॉर्मूले पर यूज हो रहा है, बात समझ में, उसका हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ एक बात समझो कि ये है a माइनस एक्स और ये क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो इट मीन्स कि ये जो है ये फॉर्म बना रहा है हमारा ऐसा कुछ पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए और एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ऐसा कुछ फॉर्म बना रहा है। और इस पर यह भी ध्यान देना है कि इसका कोई भिन्न नहीं हो सकता, मतलब कि गुणनखंड नहीं हो सकता। तो ये टूटता किस रूप में बाबू, a अपॉन x माइनस ए और प्लस यहाँ ध्यान देना बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप में। तो यही फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा इसमें, बात समझ में। और यहाँ से क्या करना है भाई कि a और b का मान, a b और c तीन है, तीनों का मान निकाल के तब इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर। तो देखो इसको अगर उस रूप में लिखना है, क्योंकि यही जो है इसका परिमेय व्यंजक सेम टू सेम वैसा दिख रहा है, क्लियर। तो ये कैसा दिखेगा बाबू, यहाँ हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस एक्स, क्योंकि 1 माइनस एक्स चाहे कैसे भी हो, प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन इधर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बात समझ में। अब देखो यहाँ हो गया a अपॉन 1 माइनस एक्स और यहाँ हो गया बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना पड़ेगा बताओ, a b और c तीनों का मान निकालना पड़ेगा। तो सीधी बात है अगला स्टेप यह होता है कि दोनों के ऊपर वाले अंश को तुलना कर दो, लेकिन साथ ही साथ एलसीएम लेके, नीचे वाले का एलसीएम लेके, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये कटेगा यहाँ जाकर गुणा होगा। तो वो ये पहले ही बता रहे थे कि ये डायरेक्टली आके इससे गुणा कर लेता है, ठीक है। वो कैसे होता है इसमें देख लो, यहाँ बी एक्स प्लस सी है, ये गुणा करेगा इससे क्योंकि ये तो कट जाएगा, और ये बनेगा कितना 1 माइनस एक्स बराबर किसके होगा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो कट गया कि नहीं कट गया, इसलिए कहते हैं ना अंश को अंश से तुलना कर लो डायरेक्टली, और इसको इससे गुणा कर लो, इसके इससे गुणा कर लो, देखो दिख रहा है। इट मीन्स कि इक्वेशन हमारे पास आ गया a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स, ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। अब क्या करना पड़ेगा, a b और c का मान अलग अलग करके निकालो। तो देखो अगर हम यहां से क्या करो कि x इक्वल टू ये वाला इक्वेशन जीरो के बराबर कर दो, ठीक है, जो सिंपल तुम्हें चर राशि मतलब कि जैसे पीछे करते आ रहे थे a b c का मान निकालने के लिए, कि जितने भी अलग अलग कोष्टक थे ब्रैकेट में बंद थे गुणनखंड उन सभी को जीरो के बराबर। तो ये तो भाई गुणनखंड है नहीं, ये द्विघात समीकरण गुणनखंड ये है, तो इसको गुणा कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस x इक्वल टू जीरो, यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा 1, समीकरण एक में रख दो, जैसे ही एक में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक में रखोगे तो ये देखो ये बनाएगा कितना, इधर है 2 इधर a इंटू कितना हो जाएगा भाई 1 प्लस 1, और यहाँ पे b x की जगह अगर हम लोग 1 रखते हैं तो ये b प्लस 2 तो होगा, लेकिन ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा,
मीन्स कि यहाँ पे जीरो बन जाएगी, बात समझ गई। ए बराबर कितना मिलेगा, टू बराबर टू ए, तो ए बराबर वन आ गया। ये सिंपल तरीका है ना, जो प्रतिस्थापन विधि कर रहे थे उससे आसान तरीका है ना ये, तो ठीक है दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। एग्जाम टाइम में गलती से ये अगर गलत हो रहा है तो प्रतिस्थापन विधि लगा लो जो स्टार्टिंग बताए थे, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि वो सारे के सारे इक्वेशंस के रूप में आते हैं। अब देखो इसके बाद हमें बी और सी का मान निकालना है, तो सीधी बात है एक बार क्या कर दो, एक्स स्क्वायर के गुणनखंड की तुलना कर दो, गुणनखंड नहीं कोफिशियंट, कोफिशियंट को क्या कहते हैं हिंदी में, एक्स स्क्वायर के क्या बोलते हैं गुणांक है ना, गुणांक, गुणांक की करने पर जरा एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करो, तो इसमें एक्स स्क्वायर कौन बनेगा, ए में से वन का गुणा करेंगे ए हो जाएगा, और इससे गुणा करेंगे तो यहाँ, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ओहो यहाँ पे एक्स की वैल्यू थी नहीं कि वन लिखी, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है जीरो है, और एक्स का भी गुणांक कितना है जीरो है, ये एक्स का गुणांक हो गया एक्स स्क्वायर गुणांक हो गया, ठीक है तो एक्स स्क्वायर गुणांकों की तुलना करोगे तो इधर तो जीरो मिलेगा और इधर ए इंटू वन और ए इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ एक ए मिल गया। इधर देखो बी एक्स का वन से करेंगे मिलेगा नहीं, लेकिन बी एक्स का एक्स स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस बी, बात समझ में। यहाँ से देखो अगर हम ए का मान रखते हैं वन तो बी का मान कितना आएगा, बी की भी वैल्यू आ गई। अब जरा एक्स के कोफिशियंट का तुलना कर दो, आसान है कि नहीं, समझना आसान है, ये थोड़ा सा हाई लेवल रहता है लेकिन ये जल्दी आंसर देता है इसलिए इसको आप लगा रहे हैं, ठीक है तीन चार पांच क्वेश्चन होने के बाद। अब क्या करो एक्स के गुणांक की तुलना कर दो, एक्स का गुणांक इधर तो एक्स का कोई गुणांक है नहीं, ए मिलेगा नहीं, यहाँ एक्स का गुणांक मिलेगा बी इंटू वन बी एक्स होगा ना, तो ये मिल गया, इधर क्या मिलेगा एक्स का गुणांक जीरो, और इधर बी एक्स इंटू वन बी मिल गया, और इससे करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, सी इंटू वन करेंगे तो ये कोफिशियंट बनाएगा, लेकिन सी इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ कितना बनाएगा माइनस सी। यहाँ से देखो बी की वैल्यू वन है ना, बी की वैल्यू वन है माइनस सी हो गया, सी की वैल्यू भी कितनी आ गई, मतलब तीनों के तीनों कितने आए भाई वन वन और वन, क्लियर तीनों की वैल्यूज आ गई, उठा के इसमें रख दो, ये क्वेश्चन नंबर ये दो बना दो इसे फर्स्ट बना क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, अभी तो इसकी जरूरत मेन जरूरत तो यही है ए बी सी का मान रखेंगे तभी तो आएगा, बात समझ लेंगे तो ऐसा करेंगे। अब देखो इस तरीके से करने के बाद जब ए बी सी तीनों का मान आ गया तब क्या करो भाई, तीनों को उठा के ए बी और सी का मान समीकरण एक में रख लो, ठीक है तो क्या लिखेंगे ए बी तथा सी का मान समीकरण एक में रखने पर, वन रखो ये हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स, आई की वैल्यू आ रही है, इधर बी की वैल्यू भी वन है, इधर सी की भी वैल्यू वन है, डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स, बाकी सॉल्व करो, इंटीग्रेशन करना बाकी है तो इधर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स डी, चाहे रुक जाओ एक स्टेप और रुक जाओ, यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस एक्स, और इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं ना, वैसे तो पी एक्स प्लस क्यू का फॉर्म अब बन गया लेकिन अलग अलग कर सकते हैं और सिंपल हो जाएगा, दोबारा आंशिक भिन्नों में तोड़ना नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, क्लियर। अब इंटीग्रेशन कर लो, यहाँ बनाएगा वन माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ बनाएगा एक्स अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स, और यहाँ पे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये तो सिंपल है लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि x जो है वो
माइनस में, इसमें बाबू एक्स माइनस में, इट मीन्स कि इसका जब इंटीग्रेशन बनेगा तो ये हो जाएगा लॉग वन माइनस एक्स, और ए टू माइनस वन नीचे छूट जाएगा क्योंकि एक्स माइनस में था। और इधर इसको देखो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऊपर एक्स डी एक्स है ना, और नीचे एक्स स्क्वायर है, तो इट मीन्स कि कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे ऊपर वाला एक्स गायब हो जाए। क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो क्या करना, इसे जो एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, एक्स स्क्वायर को टी मान लो, क्लियर दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर को टी मान लो, यहाँ से बनेगा टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी, या फिर बोल सकते हैं एक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई टू, हमें एक्स डी एक्स ही तो चाहिए, देखो एक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई टू, और एक्स स्क्वायर क्या बन गया है टी, तो इट मीन्स कि हमें जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हमें मिलेगा, चलो कुछ देर के लिए रोड छोड़ देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेंगे क्या होगा, है ना, ठीक है, तो यहाँ बनाएगा डी टी बाई टू अपॉन वन प्लस टी, और ये तो फॉर्मूला ही है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स है ना, वही वाला फॉर्मूला, यहाँ हो जाएगा वन अपॉन ए, तो ए कुछ है नहीं, तो इधर बनाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन, क्लियर, तो यहाँ से आगे सॉल्व करोगे तो ये बनाएगा माइनस लॉग इनटू वन माइनस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन अब आसान है, वन बाई टू ये हो जाएगा लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आगे हमारा रिक्वायर्ड है, बात समझ में आई, नोट कर लो फटाफट, नोट करो बाबू, ठीक है, हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना कैसे क्वेश्चन हुआ, बस इसका फॉर्म तोड़ना था उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, कर लो फटाफट, ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, पंद्रह नंबर क्वेश्चन है हमारा, अच्छा हम चौदह है ना, ये दिया हुआ है थ्री एक्स माइनस वन, थ्री एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, देखो कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहो चाहे जैसे कर लो, अब देखो ये एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है, तो क्या हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू बन गया है ना, अब देखो ये पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए, और एक्स माइनस ए का फॉर्म हो गया, ठीक है, अब इसको हम आसानी से क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो देखते हैं आगे तो क्या करेंगे इसके लिए, देखो ध्यान देना है कि जब भी एक ऐसा फॉर्म आता था जिसमें होल स्क्वायर लगा रहता था, ऐसा देखो ऐसा वन अपॉन समथिंग कुछ भी था पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये किस रूप में टूटा था, तीन रूप में है ना, एक तो x माइनस ए के लिए अलग रहता था और x माइनस बी के लिए दो फॉर्म आता था, यहाँ पे स्क्वायर करना, ठीक है, तो ये आया आया आप लोग को, ये होता था x माइनस ए प्लस बी अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी अपॉन ये तीसरा वाला रहता था x माइनस बी, क्यों है कि नहीं फॉर्मूला, तो इट मीन्स कि ये भी इसी रूप में चेंज होने वाला है, तो ये जो है अलग रूप बनाएगा, तो कैसा दिखेगा आपको कि 3x माइनस वन डिवाइड सॉरी x ए बी सी के रूप में लेना है ना, तो ये कितना हो जाएगा a अपॉन
एक्स प्लस टू और प्लस बी अपॉन ये पूरा रहेगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। बात समझ में? मतलब कि इस रूप को ऐसे लिखते हो और ये तो तीसरा है, अगर है ही नहीं वन है तो तीसरे की कोई जरूरत भी नहीं है। बात समझ में? तो ये हो गया काम खत्म, क्लियर, यही चीज हमको करना है भाई, है ना, बात समझ में? चलो भाई अब क्या करो कि इस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू ही रहेंगे, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है ना। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद करते क्या है, कंपेयरिंग द इक्वेशन, मतलब ए एंड बी, उसके लिए ए के साथ गुणा करते हैं इसका और बी के साथ तो गुणा कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखो क्यों बन क्यों नहीं कर सकते, जरा सा एलसीएम लेके देखो, इधर हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और इधर एलसीएम होगा क्या, दोनों का एलसीएम तो एक ही होगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। बात समझ में? लेकिन एक्स प्लस टू के होल स्क्वायर से एक के ठोने काटेगा, एक तो इसके पास रहवे करेगा एक्स प्लस टू और बी इसके नीचे वाला हर हर को पूरा काट देगा, तो इट मीन्स यहाँ केवल बच जाने वाला है बी। यहाँ से देखो ये और ये कट गया, इक्वेशन नंबर थ्री बन गया टू, इक्वेशन नंबर टू बन गया हमारे पास, क्या दिखा, थ्री एक्स माइनस ए बराबर ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी, ठीक है। तो इसी चीज को अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे, थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी, इक्वेशन नंबर टू। अब हमारे पास जो गुणनखंड है, जितने तुम्हारे जितने गुणनखंड मिलेंगे सबको जीरो के बराबर कर दो, ठीक है। ये से फैक्टर मिलता है ना, फैक्टर ये एक्स प्लस टू बराबर, जैसे जीरो करोगे तो बाबू ध्यान दो कि ये हो जाएगा एक्स बराबर माइनस टू, समीकरण दो में रख लो, समीकरण दो में रखने पर तो जैसे ही समीकरण दो में x बराबर माइनस टू रखोगे तो इधर बनाएगा थ्री इंटू माइनस टू माइनस वन और इधर माइनस टू प्लस वन करें, माइनस टू प्लस टू ये तो हो गया जीरो, बचा क्या b। बात समझ गई? तीन दुना माइनस छह माइनस एक माइनस सात बराबर कितना हो गया b का मान सात आ गया। अब क्या कर लो भी, अब a का मान कैसे निकालेंगे, तो बस x का कोफिशियंट जो है तुलना कर लो, क्योंकि a जो है वो केवल x के साथ, इट मीन्स कि साफ साफ लिखेंगे एक्स के गुणांक की तुलना करने पर इधर बनेगा एक्स का कोफिशियंट है तीन और इधर एक्स का कोफिशियंट है ए और कोई है नहीं, तो ए का मान कितना आ गया तीन, बी का मान कितना आ गया माइनस सात। अब खत्म, बस सॉल्व करना है, ठीक है। वैल्यू उठा के ए और बी का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, बात समझ में आ रही है बाबू, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? धीरे धीरे जो आंशिक भिन्नों का क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन को और छोटा से छोटा बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि फटाफट आप लोग को समझ में आए, है ना। पहले प्रतिस्थापन विधि लगा रहे थे, उससे क्या हो रहा था कि ए बी सी का मान जैसे मर्जी वैसे निकालो, मतलब आएगा ही आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जाएगा, यहाँ से बस कंपेयरिंग कर दे रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट लगा रहे हैं, कंपेयरिंग होने से कुछ नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे भी, ए तथा बी का मान समीकरण एक में रखने पर, रख लो एक में भाई, ए का मान है तीन, बी का मान है माइनस सात और यही जो है इस रूप में टूटा है, हमारे पास इंटीग्रेशन करने के लिए बचा है a बराबर तीन, बी अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स और इधर इंटीग्रेशन करना है माइनस सेवन, है ना, तो माइनस सेवन को बाहर कर लेते हैं, फिर हो जाएगा माइनस सेवन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। बात समझे, तीन बाहर ही है, तीन क्या है बाहर, वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटीग्रेशन करेंगे लॉग एक्स प्लस टू, ये तो साफ साफ दिख गया कि लॉग एक्स प्लस टू, लेकिन इसके साथ क्या करेंगे भाई, माइनस सेवन इसके साथ क्या करेंगे हम, तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है ना, तो इस पूरे को टी मान लो तो टी स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे बनेगा एक्स प्लस टू के होल पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन, क्यों बनेगा कि नहीं बनेगा, ऊपर लेके चले गए, क्लियर, प्लस कितना हो गया सी,
यहाँ आएगा सी लॉग एक्स प्लस टू माइनस सेवन, ये देखो माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो फिर ये माइनस इधर आएगा प्लस कर देगा और ये हो जाएगा सेवन, और ये माइनस टू प्लस वन माइनस वन। अब पावर में जब माइनस वन होता है तो वो उसको हर में भेज देता है, तो यहाँ पे आएगा वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी। बात समझे मुझे आंसर ये, बड़ी से बड़ी क्वेश्चंस को भी आसानी से बना सकते हैं। ये तो छोटा सा था, सिंपल था, बस थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग लगाना है ना, नोट करो फटाफट। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। 14 हो गया, 15 नंबर। यह हुआ है वन अपॉन एक्स के पावर फोर माइनस वन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, एक्स के पावर फोर माइनस वन बनाया जाए। तो देखो ये जो है कितने रूपों में, ये ध्यान देना है एक्स के पावर फोर है तो वन के पावर भी क्या कर लो फोर कर लो, तो ये जो है इस रूप में भी दिख सकता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, क्लियर। और तोड़ लो ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस, तो इधर बनेगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। अच्छा इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि जो है ऐसे है, लेकिन यहाँ कुछ कर सकते, यहाँ पे क्या करेंगे, ये बनेगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये x माइनस वन और x प्लस वन ऐसा बन सकता है, क्लियर। देखो है कि नहीं, वही वाला फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। अब क्या करना है, इसको प्लस करना है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी प्लस करो किसी को माइनस करो, मतलब आंसर एक ही आने वाला। ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ये तो सिंपल सा फैक्टर फॉर्म में है, ये भी है, लेकिन ये बताओ द्विघात समीकरण फॉर्म में, क्या अर्थ है कि ये जो टूटेगा तीन रूप में, द्विघात समीकरण कभी भी टूटेगा तो ये होगा ए एक्स प्लस बी के रूप में, ठीक, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये टूटेगा तो ये दूसरे रूप में मतलब सी के रूप में, सी अपॉन एक्स प्लस वन, और यहाँ डी के रूप में ये होगा एक्स माइनस वन, मतलब चार कोफिशियंट आ गए। कभी भी द्विघात समीकरण होगा तो उसके ऊपर ए एक्स प्लस बी वाला ही था, बात सुन ले। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर टू, या फिर पहला इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब क्या किया जाए, एलसीएम ले लो दोनों तरफ, इधर तो जो है वैसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, इधर इंटीग्रेट एलसीएम होगा तो इन तीनों का एलसीएम यही बनने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, लेकिन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, ये दोनों आके इसमें मल्टीप्लाई हो, है ना, यहाँ बनेगा ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। सी के साथ देखो, सी के साथ ये तो कट जाएगा, बचेगा ये और ये, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो एलसीएम लिए, इसके साथ ए एक्स प्लस बी के साथ कितना हो गया भाई, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, सी के साथ देखो एक एक करके लिखते चलना है, सी के साथ करेंगे तो ये वाला आके इस पूरे से डिवाइड हुआ, ये तो खत्म हो गया, बचा ये और ये, दोनों सी के साथ मल्टीप्लाई, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस वन, ठीक है। और फिर डी के साथ क्या बनेगा भाई,
पी के नीचे वाला आके डिवाइड कर लेगा, ये दोनों जाके डी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ बनेगा एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इसको यहाँ से देखो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो हर बार जो पहले बोलते थे वही वाला काम है कि बस कंपेयर करके ऊपर नीचे अंश का कंपेयर कर लो। ये बन गया इक्वेशन नंबर टू कंपेयरिंग बोथ साइड। यहाँ एक चीज और ध्यान देना है कि अगर ए बी सी का आपको मान निकालना है, क्लियर, तो अगर हम बस वही फैक्टर्स को पकड़ेंगे या फिर गुणनखंड को पकड़ेंगे जो सिंपल सा इस रूप में लिखा है एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये नहीं पकड़ सकते क्योंकि ये जो है ये एक द्विघात समीकरण है ना, और द्विघात समीकरण को जीरो के बराबर पुट नहीं करना चाहिए, बस इन दोनों को फैक्टर के रूप में, है ना, क्योंकि कहा जाए क्या होता है भाई फॉर्मूला कि x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो कब होगा, x इक्वल टू ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, इफ क्या बोलते हैं फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू जीरो, क्लियर। तो वही वाली कहानी है यहाँ पे, क्या कर लो एक एक करके, पहली बार x प्लस वन बराबर जीरो कर लो, दूसरी बार x माइनस वन बराबर जीरो कर लो, जो भी आता है उसके बाद, फिर उसके बाद अगर यहाँ से जितने भी वैल्यू आते हैं तब तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद की वैल्यू हम बस कंपेयरिंग से करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, लेकिन इन दोनों से हम लोग ए बी या सी डी किसी का भी मान आ सकते हैं। एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस वन हो गया, माइनस वन यहाँ रखेंगे जीरो हो गया, इसकी गाड़ी खत्म। ठीक है, इधर वन है वन चुपचाप छोड़ दो, अगर माइनस वन रखते हैं देखो यहाँ प्लस एक्स प्लस वन है ना, माइनस वन प्लस वन जीरो हो गया, मतलब जो जीरो हो गया वो चुपचाप छोड़ दो, यहाँ माइनस वन रखोगे तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन और प्लस वन प्लस वन टू हो गया, और माइनस 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 टू ये बच रहा है, इधर भी बचेगा नहीं, ये देखो माइनस वन प्लस वन जीरो मतलब बच केवल ये वाला फंक्शन, कोई ना कोई एक जरूर बचेगा, इधर हो गया जीरो, बचा सी के साथ वाला, सी के साथ होगा माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन और दूसरे ब्रैकेट में माइनस वन माइनस वन, और डी पर भी कितना हो जाएगा जीरो, देखो क्योंकि यहाँ पे है माइनस वन प्लस वन। ठीक है, अच्छा अब देखो ये बनेगा इक्वेशन हमारा वन प्लस वन टू और माइनस वन प्लस वन माइनस टू, ले ओवरऑल वैल्यू आएगी वन इज इक्वल टू, है ना, टू टू जा माइनस फोर सी, या फिर सी का मान आ गया वन अपॉन फोर। ठीक है, माइनस वन अपॉन सी का वैल्यू आ गया। ठीक, अब इससे कर लो एक्स इक्वल टू वन समीकरण दो में रखो भी, अब जब वन रखेंगे तो देखो बचेगा कौन पहले वो देख लो, यहाँ वन रखेंगे बच जाएगा लेकिन यहाँ रखेंगे जीरो, मतलब एक भी अगर गुणा में जीरो हुआ तो सब जीरो, यहाँ पे रखेंगे वन बच जाएगा लेकिन यहाँ रखेंगे तो सी भी जीरो, इसमें कहीं भी रख लो तो जीरो नहीं होने वाला, मतलब कि यही बचेगा, और इधर वन तो है ही, वन बराबर क्या हो जाएगा डी इंटू वन प्लस वन और वन प्लस वन, इसका मतलब यहाँ से भी आएगा फोर डी बराबर वन, या फिर डी इज इक्वल टू वन बाई फोर, सी और डी का मान आ गया, बचा ए और बी का मान, वो कैसे आएगा भाई, तो कंपेयर करके, है ना, क्या कंपेयर, हाथ कंपेयर करके, इधर ध्यान दो टोटल ओवरऑल हाथ कितने बनेंगे, एक तो क्यूब वाला बनेगा, एक स्क्वायर वाला बनेगा, है ना, और एक एक्स वाला बनेगा, इधर अगर क्यूब वाला फंक्शन लिखा जाए देखो इधर वाला इधर, तो क्यूब वाला भी जीरो है, ये तो अचर राशि है ना, ये तो एक्स वाला है, ये एक्स स्क्वायर वाला है, और ये एक्स क्यूब वाला जीरो होने वाले, क्यूब वाले फंक्शन का थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, इधर से ए एक्स इससे गुणा करेगा ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब, इसका मतलब इधर तो बन रहा है जीरो, क्यूब फंक्शन का कर रहे हैं ना, एक्स क्यूब ए गुणांक टू की तुलना, एक्स क्यूब के गुणांक, यहाँ पे एक्स क्यूब एक ये बनने वाला है कि नहीं, देखो तीन बार एक्स है ए के साथ गुणा होगा तो ये जो है एक्स क्यूब, मतलब कि इधर जीरो है इधर एक तो ए मिल गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स गुणा होगा तो एक्स क्यूब बनेगा,
अर्थ है कि हमें क्या मिलेगा सी, यहाँ पर फिर एक्स स्क्वायर एक्स से गुणा करेगा तो डी मिलेगा। बात समझे, इट मीन्स कि बस एक्स क्यूब के गुणांकों की तुलना किए तो हमें ए प्लस सी प्लस डी मिल गया। सी और डी दोनों की वैल्यू पता है, ए का वैल्यू निकल जाएगा, ए प्लस सी का मान कितना है माइनस वन बाई फोर और बी का मान कितना है वन बाई फोर। देखो ये दोनों कट गए, ए बराबर कितना आ गया जीरो, ए का मान जीरो हो गया। अब जरा बी का मान निकाल लेते हैं तो उसके लिए एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर क्या क्या है भाई, या देखो ए एक्स से एक्स का गुणा करेंगे और एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब बनेगा, लेकिन ए एक्स से वन का गुणा करेंगे तो ए एक्स बनेगा, या फिर देखो और छोटा बनाना चाहो तो इसी को लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब सिंपल दिख रहा होगा, ए एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब, लेकिन ए एक्स को वन से करेंगे तो कुछ नहीं, मतलब कि हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का ना, तो इससे मतलब है नहीं। लेकिन b का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ पे इस पार जीरो है, इस पार b मिल गया क्योंकि b x स्क्वायर बनेगा। इधर देखो c का ये वाला फॉर्म x स्क्वायर प्लस वन के साथ है ना, तुलना करो लो जरा, तो यहाँ पे c स्क्वायर वाला फंक्शन बचेगा कि नहीं बचेगा। जब x स्क्वायर वन से गुणा करेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और फिर जब ये वन एक्स से गुणा करेगा तो कोई मतलब है नहीं, मतलब कि एक बार एक्स स्क्वायर जरूर मिलेगा इसके कोफिशिएंट में। देखो ये ऐसा दिखेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये जो है इस रूप में दिखेगा, दिख रहा है ना, बहुत छोटा तो नहीं है। तो जब सी से गुणा करेंगे क्यूब वाला चाहिए नहीं क्योंकि इसमें चला गया, स्क्वायर वाला चाहिए वो किस में दिख रहा है माइनस में, है ना। अच्छा उसके साथ साथ इधर देखो, इधर भी वही कहानी बनेगा, एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन डी प्लस में दिखेगा। क्लियर, यहां से देखो बी का मान निकालना है, सी दिया हुआ है माइनस वन बाई फोर होता है और बी का मान वन बाई फोर है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया, इसको इधर लेके चले आओ तो चार, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर लेके चले तो बी का मान आ गया कितना, चार चार का एलसीएम चार ही होता है, यहाँ पे दो बनेगा लेकिन माइनस में रहेगा, बी का मान आएगा माइनस एक बटा दो। ए बी सी और डी तीनों की वैल्यू आ गई, समझ में आ गई है। चलो तो अब इसके बाद क्या करते हैं, ए बी सी डी का मान उठा के समीकरण नंबर एक में रखने पर, दिख रहा है कि नहीं क्वेश्चन में, ये सारे क्वेश्चन में बहुत दम है, ठीक है, बनाना आसान नहीं है और कठिन भी नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट माइंड को कंसंट्रेट करेंगे आप लोग तो ये सारे क्वेश्चन आसानी से बनेंगे, ठीक है। अच्छा ए बी सी डी, ए बी सी तथा डी का मान समीकरण एक में रखने पर, चलो भी हाँ ए बी सी डी, ए का मान रखेंगे जीरो, चुपचाप छोड़ दो, बी की वैल्यू माइनस वन बाई टू तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू, बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका भी, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। क्लियर, कोई डाउट, देखो ए की वैल्यू जीरो रख दिए, बी की वैल्यू माइनस वन बाई टू रख दिए और इसका इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है माइनस वन बाई फोर, बाहर रख लो बाहर, क्या हो जाएगा माइनस वन बाई फोर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, ठीक है। यहाँ d की वैल्यू है कितना है 1 बाई फोर, ये भी बाहर रख लो, इंटीग्रेशन नहीं करना है, प्लस 1 बाई फोर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस वन डी एक्स, ठीक है। अब सिंपल हो गया, अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वन है, इंटीग्रेशन कैसे होगा बताओ, इसके लिए x स्क्वायर को, इसको x स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, ऊपर दिख रहा है x स्क्वायर को t मान लो तो यहां से बनेगा हम क्या बनेगा 2x dx बराबर dt, या फिर dx बराबर dt by 2x, और t के लिए 2x क्या है एक अचर राशि है ना, 2x बाहर हो गया, यहां बनेगा 1 by 2 into 1 upon 2x और ये बन गया log log into x square plus 1, ठीक है, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन।
बात समझ में डायरेक्टली की है, बस थोड़ा सा हिंट समझना है यहाँ से, उसके बाद आसानी से हो जाएगा। dt/2 हो गया t+1, log t+1 का यहाँ पे -1/4 log x+1 और यहाँ पे +1/4 log x-1 dx, dx तो खत्म हो गया ना, प्लस से ठीक है, 2 से 2 का मल्टीप्लाई कर लो, यह बनेगा 1/4x log इंटू x²+1 -1/4 log इंटू x+1 +1/4 log इंटू x-1 प्लस सी, ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड। ठीक है, बना लो बना लो फटाफट बना लो। हो गया और सबको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर समझ में आया ना सभी? अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो छोटा सा था लेकिन बढ़िया बनाया क्वेश्चन है ना, अगर आएगा तो 8 नंबर एकदम, अगर नहीं आया तो कोई बात ही नहीं, बस सॉल्व करते हैं। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 16 नंबर, इधर दिया हुआ है 1/(x)(n) प्लस, ठीक है ऐसा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखो करना क्या है कि ऐसे करना बहुत कठिन होगा, एक काम करते हैं कि दोनों पक्षों में अंश और हर में x^(n-1) से गुणा करने पर, ये हिंट भी दिया हुआ है संकेत एनसीईआरटी के बुक में, ये संकेत दिया हुआ है, अब नहीं भी दिया हो तो हमें करना ही पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा आगे बता, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला काम क्या करना है भाई, अंश तथा हर में x^(n-1) से गुणा करने, देखो हमें इसी का इंटीग्रेशन करना है भाई, ऊपर हो गया x^(n-1) और नीचे यहाँ x^(n-1) है, गुणा हो गया, बचा हमारे पास जो है उसको वैसे ही लिख दो, ठीक है इंटीग्रेशन करना है इसी को, बात समझ में। अब यही जो है एक बात समझो इससे कि अगर x^(n-1) है, यहाँ x^ कितना है भाई 1 है, दोनों का आधार सेम है तो घात क्या होता है बाबू, जुड़ जाता है, जब आधार सेम हो गुणा हो तो घात जुड़ता है, तो n माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो -1 + 1 खत्म, बचेगा क्या इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास x^(n-1) डिवाइडेड बाई x^(n) इंटू x^(n+1 क्लियर बात सुनिए। अब देखो यहां से एक प्रॉफिट दिख रहा है कि यदि हम x^(n) को t मान लें तो ऊपर वाला समथिंग इसी के अकॉर्डिंग कुछ dt बनने वाला है ना, तो हम क्या लिखेंगे, माना x^(n) बराबर t रखने पर, तो बाबू देखो जैसे t रखेंगे तो ये n आगे चला आता है इंटीग्रेशन करने पर, x^(n-1) इंटू dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, ऊपर जितने की जरूरत है उतना ही रखेंगे, x^(n-1) dx ऊपर जरूरत है, इस n की जरूरत नहीं है, भगा दो इधर से,
यहाँ बनेगा x के पावर n माइनस वन डी एक्स बराबर डी टी बाई एन। इट मीन्स कि अब क्या करना है कि जहाँ जहाँ x के पावर n है वहाँ t ले लो, और जहाँ x के पावर n माइनस वन डी एक्स है वहाँ डी टी बाई एन कर लो। ठीक है, बस हो गया सॉल्यूशन। ये अब बनाएगा इक्वेशन हमारे पास, ऊपर देखो डी टी बाई एन, एन को बाहर कर लेते कॉन्स्टेंट है, ऊपर देखेगा डी टी और नीचे ये हो जाएगा टी, और यहाँ माइनस वन। बात सुनिए, ये एक गुणनखंड के रूप में टूट सकता है, आंशिक भिन्न के रूप में। ये देखो ऐसा भी हो सकता है टी माइनस जीरो और टी माइनस वन अपॉन डी टी, तो क्या ये गुणनखंड के रूप में, सॉरी आंशिक भिन्नों के रूप में टूटेगा ना, सिंपल सी बात है, आंशिक भिन्नों के रूप में इसे तोड़ लो भाई, तो ये बनाएगा वन अपॉन एन, दो रूप में टूटेगा, ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन क्या भाई t माइनस वन। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बात समझ में आई। चलो अब आगे सॉल्व किया जाए। ठीक है, अब देख लो बहुत आसान बन गया क्वेश्चन। दोनों तरफ एलसीएम ले लो, इधर तो चुपचाप ऐसे रहने दो, ये वाला एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो इधर बनेगा वन अपॉन एन, इंटीग्रेशन रहने दे, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई टी इंटू टी माइनस वन, या फिर कुछ देर के लिए इंटीग्रेशन कुछ हटा दो, क्या दिक्कत है, यहाँ हो जाएगा वन, है ना, क्योंकि कंपेयरिंग ही तो कर रहे हैं, इंटीग्रेशन क्या जरूरत, जैसे हर बार करते आ रहे हैं। इधर भी क्या हो जाएगा वन अपॉन एन इंटू ए के साथ गुणा होगा इसका और बी के साथ गुणा होगा इसका, तो यहाँ बनेगा टी माइनस वन प्लस बी इंटू टी डिवाइडेड बाई टी माइनस वन इंटू टी। क्लियर, देखो वन बाई एन से वन बाई एन कटा, पूरा टी से टी माइनस वन कटा। अब कंपेयर करने के लिए हमारे पास एकदम सिंपल सी बात है कि वन इज इक्वल टू हो गया ए इंटू टी माइनस वन प्लस बी टी। क्लियर, एक जो फैक्टर देख रहा है उसको जीरो के बराबर कर लो, तो टी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो करने पर टी बराबर वन मिलेगा, जिसको इक्वेशन नंबर टू में रख दूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का है टू में रख दूँ, समीकरण टू में, और जैसे ही रखेंगे तो यहाँ टी माइनस वन, वन माइनस वन जीरो, यहाँ टी इज इक्वल टू वन रखेंगे तो ये हो जाएगा वन इज इक्वल टू बी, या फिर बी इक्वल टू वन हो गया। अब कंपेयर कर दो किसका भी, यहीं पे कंपेयर कर लेते हैं टी के वेरिएबल का, है ना, अचर राशि के वेरिएबल, ए इंटू टी हो जाएगा और बी इंटू टी है, और ए इंटू वन माइनस वन आएगा, इधर अचर राशि है ना, तो सीधे सीधे क्या कर लो अचर की तुलना, जिसमें बी ना हो, एक्स की भी तुलना कर सकते हो, अचर की भी तुलना कर सकते हो, तो चाहे तो बाबू देखो बी की वैल्यू ही रख लो, क्या दिक्कत, बी का मान उठा के रख दो, है ना, माइनस वन, और टी के सारे कोफिशियंट हटा दो क्योंकि इधर अचर है। क्लियर, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस ए इज इक्वल टू वन, या फिर ए इज इक्वल टू माइनस वन, आ गया ए और बी दोनों का मान आ गया, उठा के समीकरण नंबर एक में रख दो, तो क्या लिखेंगे ए तथा बी का मान समीकरण तीन में रखने पर, तो तीन में रखेंगे तो ये बनेगा हमारा वन अपॉन एन है, वन अपॉन एन ऐसे ही छोड़ दो, इंटीग्रेशन करना है, ए की वैल्यू माइनस वन है तो माइनस पांच, वन अपॉन एन बाहर है ना, माइनस वन अपॉन कितना होगा टी, और टी होगा इंटीग्रेशन हो जाएगा डी टी के साथ, और प्लस बी का मान वन है, वन रखो, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी माइनस वन टी। क्लियर, अब यहाँ से जब आगे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बाबू, ये वन अपॉन टी है, लॉग टी हो जाएगा, माइनस लॉग इंटू टी, और इधर प्लस लॉग इंटू टी माइनस वन, टी की जगह जो वैल्यू लिए थे वो रख लो, t बराबर x के पावर n लिए थे ना, तो यहाँ रखेंगे तो ये आंसर आएगा वन अपॉन एन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग इंटू
एक्स के पावर एन प्लस लॉग इन टू एक्स के पावर एन माइनस वन भी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो बाबू। है ना, समझ में आ रहा है क्वेश्चन सारे? तो ऐसे ही अब इस एक्सरसाइज में 17, 18, 19, 20, 21, 22 मतलब कि है और क्वेश्चन बचे हैं, इसमें से एक जो है वो बहुविकल्पी है जो कि सिंपल है, मतलब कि क्वेश्चन बनाने के लिए पांच और बचे हैं। ठीक है, उसको अगले लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना, तो 7.5 खत्म हो जाएगा, इसके बाद तो अनिश्चित समाकलन के इसके बाद दो और एक्सरसाइज बचेंगे, अनिश्चित इनडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट। अब इसे नोट कर लो, फिर हो गया। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में जो क्वेश्चन 17 से बचे हुए हैं उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।